सो वेलकम बैक टू अरोमाबिक इक्विपमेंट। तो आज इस डेक ओवन में प्रॉब्लम आई है कि ब्लोअर चेंज करने के बावजूद भी एयर यानी जो बर्नर का फ्लेम है परफेक्ट नहीं जल पा रहा है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे सॉल्व किया जाए। हम लोग टेक्निकली डिटेल देंगे ताकि आप नागालैंड या मिजोरम या नॉर्थ ईस्ट या कुछ ऐसी जगह पे बैठे हैं जो सॉल्व कर सकते हैं खुद ही, आपको टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके काफी पैसे बच जाएंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि उसको सॉल्व कैसे करें कि बर्नर का फ्लेम प्रॉपर नहीं जल रहा है। तो पहली चीज जो होता है वो है ब्लोअर। यहां पे आप देख सकते हैं ये ब्लोअर है जिसमें दिक्कत आती है, बट इन्होंने यहाँ पे भी हमने ये चेंज करके भी देख लिया, दिक्कत सेम है ऑलमोस्ट और इसका फ्लेम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो अब इसकी दिक्कत क्या हो सकती है, इस पाइप के अंदर धूल मिट्टी जो भी हम लोग बनाते हैं, तो जैसे ये धूल मिट्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे लग गया, ये धूल मिट्टी जाके बैठ जाता है जो कि बैठने के बाद ये इसके अंदर दिक्कत करती है और एयर का फ्लो प्रॉपर नहीं जा पाता है, जिसके कारण आपका गैस और एयर मिक्स होने के बाद आपका फ्लेम सही से नहीं जल पाता है। तो आज हम खोलेंगे इस बर्नर को और दिखाएंगे कि कैसे खुलता है एक एक पार्ट, ताकि आप लोग भी खुद सर्विस कर सको और अगर नहीं कर सकते तो हमारा टेक्नीशियन तो है ही, आ सकता है आपके पास, जिसके कुछ चार्जेस होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये खोलेंगे ये पार्ट, तो पहले हम इस पाइप को खोलेंगे। ये कॉपर पाइप होता है जो गैस ट्रेवल कराता है आपका। अब दूसरे साइड से खोलना है यहां से, तो इस नट को खोलेंगे हम, ठीक है। सो ये पाइप निकल जाएगा। ये आपका देखिए पाइप निकल गया पीतल का, दिखाओ इधर। तो ये पूरा ये पीतल का देखो पाइप निकल गया पूरा, ये गैस ट्रांसफर होता है इससे। तो अब ये खुल गया हमारा, अब हम ब्लोअर खोलेंगे। ये ब्लोअर खोलो, अब देखो आप देख सकते हैं यहाँ से और इसका कनेक्शन निकल चुका है जो जॉइंट था। अब हम ब्लोअर खोलेंगे, तो ये देखो हमारा ब्लोअर निकल गया, ये आप देख सकते हैं। अब ये भी साइड अलग हो गया। अब देख सकते हैं इस बर्नर में आपको यहाँ पे इस बर्नर, ये अकेला हो गया, ये पार्ट है, ये हटाना है, राइट। अभी हमारा पार्ट भी सिंगल हो गया, बट अभी हमें ये दो तार खोलने हैं, स्पार्कर का और ये सेंसर का तार ओपन करना है। अब ये ओपन कर लेंगे तो ये हमारा बर्नर फ्री हो जाएगा और ये हम बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए ये भी करते हैं, देखते हैं। तो ये नट आगे का ढीला करना है और ध्यान रहे खोलते वक्त ये नट, इस ये वायर ना टूटे, नहीं तो आपको ये पूरी डिब्बी खरीदनी पड़ सकती है। ये आराम से पकड़ना है इसको, इसको नहीं रोटेट करना है, ये जो है इसको रोटेट नहीं करना है, आप नट पे फोकस करें, ये इजीली ऐसे निकलना चाहिए। सो हमने खोल दिया, अब देखिए हम सेंसर की वायर भी निकाल दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्नर आपका पूरा का पूरा ओपन हो गया है, अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो हमारे में देखिए लॉक सिस्टम है, पहले इसे लगाओ, फिर हमारा इसमें देख सकते हैं हीट इंसुलेटेड है ताकि हीट बाहर ना आए, तो ये हमारा प्रॉपर सेफ्टी बना रहता है हमारे डेक ओवन में। तो चलिए आज हम खोलते हैं एल्यूमिनाइज्ड बर्नर, देखते हैं कि कैसा होता है। आपने बाकी ओवनों में देखा होगा लोहे का बर्नर होता है, पर हमारे में एल्यूमिनाइज्ड बर्नर है, आप देख सकते हैं ध्यान से। बट चलिए खोलते हैं, आप बर्नर दिखाते हैं आपको, चलो। तो नट देख रहे हैं आप छः बर्नर के पास, वो खुलेंगे ताकि बर्नर बाहर आ सके। तो मैं नट दिखा देता हूँ कि कौन कौन से नट है, देख लीजिए आप, ये सारे नट हैं। तो ये सारे नट ओपन होंगे, तो चलिए ओपन करते हैं, चलो। हाँ तो देखिए यहाँ पे से छह नट ओपन हो गए, जैसे ये नट छठा नट ओपन हो रहा है, तो नट ओपन होने के बाद ये लूज हो गया। अभी हमारे सारे नट खुल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें पकड़ के बाहर की तरफ खींचना है। तो अगर बर्नर गर्म है तो हम यूज़ करेंगे ग्लव्स, हमने ग्लव्स यूज़ किया और इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको बैलेंस बराबर करेंगे
यस, ये आ गया हमारा बर्नर बाहर धीरे 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 धीरे। तो अब इस बर्नर को हम बाहर निकालेंगे। ये हमने बर्नर को बाहर निकाला, तो आप देख सकते हैं ये हमारा बर्नर, ये हमारा फुली एल्यूमिनाइज्ड बर्नर है, देख सकते हैं, और जिस पे आपको 5 ईयर की वारंटी मिलती है जब भी आप खरीदते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आता है तो 5 ईयर की वारंटी है, रिप्लेस होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम आ जाते हैं, ये दिखाते हैं हम यहाँ पे कैसे वर्क करता है। ये वर्क ऐसे करता है, मैं समझा देता हूँ। ये हमारा स्पार्कर होता है जो आपको गेट खोलने पे दिखता है, और ये सेंस होता है। तो जब गैस यहाँ से ट्रैवल करती है, जब यहाँ से गैस ट्रैवल करती है और एयर ट्रैवल करता है, तो जिस तरीके से जब गैस और ट्रैवल करते हैं चिंगारी फेंक रही होती है लाइटर जैसे घर की तरह, तो ये आग लग जाता है। जैसे ये आग लग के इस पोर्शन से घूमकर इस तरफ दूसरी तरफ आग लगता है, ये जिस दूसरी तरफ आग लगता है, तो ये सेंसर है। ये क्या करता है कि आग अगर इसके ऊपर टच होगा तो ही आगे सोनेट वॉल जो हमारी सेफ्टी सिस्टम है उसको गैस ट्रांसफर बोलेगा कि हाँ गैस खोल देगा। अदरवाइज अगर इस पर गैस अगर या आग टच नहीं करती है, इस पर आग टच नहीं करती है तो वो क्या करेगा, गैस बंद कर देगा। तो ये फुली सेफ रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यार गैस ले लिया कहीं लीकेज ना हो जाए, मिस हैपनिंग ना हो जाए। हाँ, चाइनीज ओवन से सावधान। तो मैं सिंपल सा क्लियर मैं वर्ड में बोलूंगा, तो ये सेंसर और ये स्पार्कर ऐसे इस तरीके से काम करता है। तो ये हमारा बर्नर है, हमने बर्नर पूरा बाहर निकाल लिया। अब हम इसकी सफाई करेंगे, तो जनरली सफाई करने की जरूरत नहीं रहती है, बट हम क्या करेंगे इसके ऊपर जिस तरीके से सफाई का, जो हमारा एल्यूमिनाइज बर्नर है लोहे का होता तो इसको बार बार इसके अंदर से पूरी क्लीन करनी होती, बट इसको हमें क्या करना है, सिर्फ और ये जो देख रहे हो आप हल्का फुल्का जो कचरा निकला, ये कारण हो सकता है आपका रोकने का। दैट्स इट, आपको बस इतना करना है हमारे बर्नर में, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दो मिनट, और डालो, बस बस बस। इसको पानी डाल के इसके अंदर घुमाना है, और उसके बाद इधर से निकाल दो, और इधर से ना निकले तो इधर से निकाल दो कहीं, क्योंकि होल्स हैं इसके अंदर तो ये निकल जाएगा। तो ये हमारा बर्नर हो गया है क्लीन। अब हम रेडी हैं इसको फिट करने के लिए, तो अब हम इसको अंदर लगा देंगे वापस जैसे लगा था। चल, तो ये था हमारा बहुत ही इजी बर्नर को रिप्लेस करना और लगाना, बहुत इजी होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा चार्ज दे देते हैं टेक्नीशियन को सिर्फ एक छोटा सा काम करने के लिए। खैर, जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए तो बहुत बड़ा काम है, बट मैंने आपको इस वीडियो में ये दिखाया कि कैसे करना होता है और कैसे इसको सर्विस दी जाती है बर्नर को। तो अब हम लगाते हैं, लगाते हुए कि वीडियो दिखाता हूँ, हालांकि जैसे निकाला था वैसे ही लगेगा, तो उसकी वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियोस में हर बार लेके आऊंगा, और शेयर जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन, और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं जिसका हम लोग रिप्लाई करेंगे। और प्राइज हम लोग क्यों नहीं देते हैं वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 5 साल 6 साल 10 साल तक ये वीडियोज रहती है यूट्यूब पे, इसलिए हम लोग प्राइज नहीं बताते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, बर्नर लगाते हैं और इसको फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बर्नर को ऐसे स्ट्रेट लगाना है, और हाँ ये ध्यान देखना है कि अंदर से यहाँ से ये सही जगह फिट हो रहा है कि नहीं। वहाँ पे एक होल है, वहाँ पे फिट बैठना चाहिए, धक्का देते रहो। वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो लगा होना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए जब घुसाते वक्त। बस ये लगा के हमने ये वापस फिट कर दिया, वापस हम इसको कनेक्ट कर देंगे, फिट कर देंगे एज इट इज जैसे था। तो हमने सारा कुछ कर दिया है फिक्स। अब हम पीले वायर में ये ब्लोअर का वायर जोड़ रहे हैं, और सब कुछ एग्जैक्ट कर दिया जैसे एज इट इज लगा हुआ था, आपने खोलते हुए देखा ही होगा वीडियो। तो अब हम करेंगे इसको फिक्स और उसको चलाएंगे ओवन। तो हमने कर दिया है ब्लोअर और सारा कुछ, हमने बर्नर का कर दिया सर्विस, फिट कर दिया। अब हम चला के देखेंगे, तो देख सकते हैं, चलाइए। सो हमने ये देखिए चला दिया, ये बर्नर साफ़ हो चुका है पूरा। ये देखिए ब्लू कलर का आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेम जल रहा है, इसका मतलब परफेक्ट फ्लेम जल रहा है।
कोई लहर नहीं है फ्लेम की, कोई ऐसे लहर नहीं मार रहा। मैं दिखा देता हूँ कैसे। देखो तो आप ऐसा फ्लेम नहीं जलना चाहिए, ऐसा फ्लेम इस तरीके का, ये फ्लेम बहुत नुकसानदायक रहता है। तो फ्लेम हमेशा कैसे जलना चाहिए मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको सारा कुछ गायब हो चुका है, लहर गायब हो चुकी है, नीली कलर की आ रही है। तो इस तरीके का फ्लेम जलना चाहिए। तो ये मतलब परफेक्ट फ्लेम जल रहा है, आप देख सकते हैं। ये है हमारा ओवन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।